नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो लेक्चर में यूपीपीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं, जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और इसमें कोशिश ये है कि आप अपनी जो भी तरीके से, अपने दृष्टिकोण से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट लग रही हैं उन्हें आप ज़रूर तैयार करें, लेकिन इसके साथ ही ये भी जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को भी आप ध्यान से तैयार करें। और इस बात को भी समझना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में जो निबंध होते हैं वे तीन क्षेत्रों से लिखने होते हैं। जो तीन क्षेत्रों से निबंध लिखने होते हैं तो उसमें एरियाज का बहुत महत्व होता है। 150 अंकों की के निबंध का जो पेपर होता है उसमें तीन खंड होते हैं, कुल 9 निबंध होते हैं जिसमें से तीन लिखने होते हैं। एक निबंध का अंक 50 है, निबंध की शब्द सीमा 700 है और निबंध का जो क्षेत्र है वो 9 एरिया से संबंधित है। तो दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एक उस टॉपिक की, उस एरिया की या टॉपिक की या उस इशू की पहचान जिस जो आपको प्रमुख लग रहा हो, मुद्दों की पहचान, क्षेत्रों की पहचान, और दूसरा कि 700 की शब्द सीमा में तैयारी को रखना। इन दोनों बातों को और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के जो ट्रेंड रहे हैं उनके हिसाब, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए तकरीबन 28 निबंध जो है, जो निबंध के क्षेत्र हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। खंड क में तीन है, साहित्य व संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र से गांधी की विरासत एक निबंध इम्पॉर्टेंट बन रहा है। गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत भर में इस साल सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जाने हैं और स्वच्छता ही सेवा जो है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत होगी। इसके अलावा गांधी हमेशा से आईएएस और पीसीएस मुख्य परीक्षा में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आईएएस 2019 के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो पहले पेपर में भी सवाल हैं, फोर्थ पेपर में भी उन गांधी के स्टेटमेंट को देकर सवाल पूछा गया है। तो गांधी की विरासत, दूसरा प्रशासन में साहित्य की भूमिका, साहित्य, तीसरा साहित्य में नैतिक मूल्य, चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की धूम, पांचवा स्त्री पुरुष समानता, आदर्श या वास्तविकता, छठा यौन हिंसा, कारण यौन निवारण, सातवां भीड़ के द्वारा न्याय, मॉब लिंचिंग, सामाजिक समरसता को एक चुनौती, सातवां या आठवां भारत में आरक्षण नीति, आवश्यकता एवं समस्याएं, नवां परिवार एवं विवाह व्यवस्था, सहजीवन व तीन तलाक के संदर्भ में, नवां भार 10वां भारत की नई शिक्षा नीति। ये सामाजिक क्षेत्र के जो निबंध हैं, ये निबंध हैं, इन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको तैयारी रखनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से भारतीय लोकतंत्र, मतदान व्यवहार के नए आयाम। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुषों की तुलना में लोकसभा के आम चुनाव में महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है और ये माना जा रहा है कि ये वोटिंग बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट चेंज है। तो भारतीय लोकतंत्र, मतदान व्यवहार के नए आयाम, नागरिकता व अवैध प्रवासी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जो एनआरसी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, ये मुद्दा जुलाई अगस्त से या उसके पहले से ही लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और निबंध में हमेशा उस साल का बड़ा मुद्दा या समकालीन मुद्दा, उस दशक का बड़ा मुद्दा अवश्य पूछा जाता है। अगला कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद व अलगाववाद व अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं तो इस दृश्य से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकतंत्र में मीडिया,
ये खंडका से जुड़े हुए निबंध हैं, जिनको जिनके टॉपिक्स को आपको कहीं ना कहीं 700 शब्दों के लिए तैयार रखना है। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जो खंडका है उसमें राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका, सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, जल, वायु और भू प्रदूषण के साथ प्लास्टिक प्रदूषण विश्व की एक प्रमुख समस्या है, सामाजिक मीडिया वरदान अथवा अभिशाप, ये विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी वाले खंड से। आप बढ़ती बेरोजगारी, कारण व निवारण, एक देश एक टैक्स प्रणाली, गठन, समस्याएं व निराकरण। जीएसटी पर अभी भी कोई निबंध पूछा नहीं गया है, जीएसटी को लेकर मुद्दे बहुत प्रमुख हैं। इसके साथ ही व्यापार युद्ध, भारत पर प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र के इन निबंधों के लिए आपको तैयारी रखना चाहिए। भारत का किसानी संकट, कारण एवं निवारण, खंड ग से, ये तो कृषि के क्षेत्र का हुआ, खंड ग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होता है, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, इन तीनों को खंड ग में पूछा जाता है। तीनों से संबंधित निबंध खंड ग में पूछे जाते हैं। उनमें भारत पाकिस्तान विवादित मुद्दे, भारत अमेरिका संबंध, इसको आपको तैयार करना है। शहरी बाढ़, कारण एवं निवारण, ये आपदा से जुड़ा हुआ, और प्राकृतिक आपदा पर एक सीधा निबंध आपको जरूर तैयार करना चाहिए। इनफैक्ट यूपीपीसीएस में हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका। जहां तक राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की बात है, तो चार स्कीम्स ऐसी हैं जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको आप जरूर तैयार रखें। एक स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा उज्ज्वला योजना और चौथा आयुष्मान। तो अपनी तैयारी में अपने दृष्टिकोण से जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उनके साथ साथ इन टॉपिक्स पर 700 शब्दों में एक अच्छा निबंध लिखने की क्षमता आपको रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है निबंध की तैयारी में क्षेत्रों, विषय, टॉपिक की पहचान। वो जो पहचान है, उस पहचान को यहाँ पर आपको एक कोशिश की गई है कि आपने ये इम्पॉर्टेंट एरियाज को पहचाने। धन्यवाद।